एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके पेनाइल हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूं। जी हां, बिल्कुल, चाहे फीमेल की सेटिस्फेक्शन की बात हो या चाहे आपके सेटिस्फेक्शन की बात हो, किसी भी सेक्टर में ना आपको ही अच्छा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो इन दैट केस दोनों को ही अच्छा जो प्लेजर है वो नहीं मिल पाता। चाहे फीमेल फोपल पे पार्टिसिपेट कर भी ले, वो थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर भी ले, पर फिर भी अंत में ना जो अच्छा परफॉर्मर बनने की बात होती है वो आपको ही होती है। क्लाइमेक्स पे जो अच्छा काम करना होता है, परफॉर्मेंस करना होता है, वो तो आप ही को करना होता है। इसीलिए आपका जो औजार है, आपका जो लिंग है, वो हमेशा करक, वो हमेशा हार्ड, उसकी जो इरेक्शन है वो हमेशा 100% होना चाहिए और आपको किसी भी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मर्दों को क्या होता है ना, बीच में ढीला पड़ जाता है, बहुत लोगों को इरेक्शन की शिकायत होती है, बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने इसके बहुत सारे सोल्यूशन बताए हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में खान पान के बारे में बताया है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है, और आज मैं इस वीडियो में ना आपको मसाज के बारे में बताऊँगी। जी हाँ, कैसे करनी है, क्या तेल का इस्तेमाल करें, टेक्निक्स क्या होते हैं, क्या मैम आप डेमोंस्ट्रेशन के साथ बता सकते हो कि हमें मालिश कैसे करनी है? जी हाँ, बिल्कुल, इस वीडियो में मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाऊंगी कि एक लड़के को अपने लिंग की मालिश कैसे करनी चाहिए। अब मेरे पास तो वो है नहीं, इसीलिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे मसाज करनी है। आई बिलीव कि आपको इतना समझ आ जाएगा कि आपको मसाज कैसे करनी है, कौन से तेल का इस्तेमाल करना वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसे करना है वो भी बताऊंगी। फुल डेमोंस्ट्रेशन के साथ वीडियो बनने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मसाज के बारे में इसीलिए मैं आपको बात करने वाली हूँ, पता है क्यों? क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी की मसाज करनी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, हमारे मसल्स हेल्दी रहते हैं, हमारे स्किन जो होती है वो हेल्दी रहती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं जब हम अपनी बॉडी की मसाज करते हैं। ठीक वैसे भाई, ये भी हमारे बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अहम क्या बताऊँ, आपकी पूरी की पूरी सेक्स लाइफ इस पर डिपेंड है, तो इसको हेल्दी रखना भी उतना ही ज़रूरी है भाई। खान पान के साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलम से आप इसको ज़्यादा हेल्दी रख सकते हो, ईडी को बहुत दूर भगा सकते हो, लूजनेस के प्रॉब्लम को भी घटा सकते हो, तो क्यों ना इसको भी आजमा जाए भाई। 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट ही देने होते हैं आपको रोज़, और आप खुद देखोगे इरेक्शन की शिकायत आपकी गायब होगी, प्रीमैच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपकी गायब होगी, लूजनेस, सिकुड़पन, ये सारे प्रॉब्लम आपको काफ़ी देर से आएंगे, और इरेक्शन जो है ना वो हमेशा आपका 100% होगा। मैं गारंटी के साथ आपको बताती हूँ, अगर आप सिर्फ एक या दो महीना ही मेरे बोलने के मुताबिक उसको मसाज दो ना, तो दो महीने में ही आप थोड़ा बहुत रिजल्ट देख पाओगे, आई एम श्योर। तो चलिए पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने बताया ही है, इरेक्शन इश्यूज सॉल्व होती है। जब आप रेगुलर बेस पे किसी अच्छे ऑयल से, कोई अच्छे से तेल से अपने पेनिस की मसाज करते हो ना, तो इससे क्या होता है, जो वो ऑयल होता है ना वो बहुत जल्दी सोक करता है, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और उस ऑयल से जब आप रेगुलर मसाज करते हो ना, तो जो वेन्स होते हैं ना वो डैमेज बहुत कम होता है, काफ़ी लेट से डैमेज होता है। एजिंग के साथ साथ तो वो डैमेज होती रहती है, बट बहुत लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन कर लेते हैं, बहुत लोगों को प्रॉन मास्टरबेशन की आदत होती है, इवन बहुत सारे और भी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से उनके जो विंग्स होते हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, उससे आप बचाते हो। डैमेज काफ़ी लेट से होता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हेल्दी रहता है अच्छी तरीके, क्योंकि भाई इरेक्शन तो ब्लड फ्लो की वजह से ही होता है ना, तो अगर ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाया तो इरेक्शन कैसे होगा। ब्लड फ्लो अच्छा हो इसके लिए आपके जो ब्लड वेजल्स है, वेन्स है ना, जो धमनी होती है उसको अच्छे से खुलनी चाहिए, वो तो गुठली की तरह पकी होती है आपके लिंग के अंदर, तो वो इतना अच्छा खुलेगा उतना अच्छा इरेक्शन होगा। जो मसाज होती है ना ये उसमें आपको काफ़ी मदद करता है, हुआ ना, बहुत बड़ा बेनिफिट सिर्फ 5 मिनट में। नंबर 2, ये आपके प्रीमैच्योर डिस्चार्ज को भी काफ़ी हद तक सॉल्व करते हो, क्योंकि आपके लिंग की जो कैप सेक्शन होती है ना उसमें हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बहुत बार जो जल्दी गिरने की समस्या है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप कोकोनट ऑयल को लेते हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। कोकोनट ऑयल के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट स्पेशल बेनिफिट यही है कि ये आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है।
और इससे मसाज दोगे तो हेल्दी भी रहेगा और ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। अदरवाइज कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन से आपको बचाता है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहता है, स्किन अच्छी रहती है, अच्छी नरिशमेंट मिलती है, मॉइस्चर अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से तेल से मसाज करनी है। सबसे पहला जो है वो है जैतून का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत सारे ऑर्गेनिक होने चाहिए। दूसरा आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, उनस अगेन वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाला जो माथे पे लगाने वाला नारियल तेल है उसको अवॉइड करो, ऑर्गेनिक होनी चाहिए वो। चाहो तो आप किसी भी मील से लेके आ सकते हो। जैतून का तेल, नारियल का तेल या फिर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो सारे ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इससे ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा, अदरवाइज आपको नुकसान भी पहुंच सकता है अगर उसमें कोई हार्श केमिकल हुआ तो। और अगर आप चाहो तो खास तौर से आप मेंश्योर के मसाज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्पेशली डिजाइंड है, ये बनाया ही गया है आपके पेनिस के मसाज के लिए। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हेल्दी है और आइडियल है आपके मसाज के लिए। वंस अगेन ये आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है, आपके स्किन को मॉइस्चर रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है, इरेक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके पेनाइल हेल्थ को अच्छा रखता है। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जायफल, श्रीगोपाल ऑयल, जिंजर ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल, लौंग ऑयल डाले गए हैं। इसका जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है वो आइडियल है आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ के लिए। इसको बस कुछ बूंद अपने हाथों में ले और उससे मसाज करे, आप खुद रिजल्ट देखोगे कि ये आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ को कितना अच्छा रखता है। इससे मसाज कैसे करनी है मैं आगे आपको डेमोंस्ट्रेशन के साथ बताने वाली हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। इनके अपने वेबसाइट भी है, अदरवाइज ये बहुत सारे रेपुटेटेड ऑनलाइन वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको मसाज कैसे देनी है। लिंग की मालिश करने के लिए पहले थोड़ा सा तेल अपने उंगलियों में ले ले और उसको हल्का सा रब कर ले। रब करने के बाद फिर उससे अपने लिंग की मालिश करें, टॉप से बेस तक और बेस से टॉप तक हल्के हाथों से मालिश करें, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अपने उंगलियों की मदद से अपने कैप सेक्शन को ट्विस्ट करते हुए आपको मसाज देनी है। इसे क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो वेन्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं और मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। आपको बिल्कुल अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में और उल्टे तरफ मसाज देनी होती है, बिल्कुल ट्विस्ट करते हुए, ताकि मसाज बहुत अच्छी तरीके से हो। जोर जोर से फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं देनी है, इससे फिर डिस्चार्ज होने का डर होता है। ध्यान रखिए कि जब भी आप मसाज करेंगे हो सकता है कि आपको इरेक्शन आ जाए, पर आप जल्दबाजी में मास्टरबेशन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल हल्के हाथों से लिंग की मालिश करें जो आप कर रहे हो, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। कैप से बेस तक लानी होती है, फिर बेस से कैप तक ले जानी होती है। अगर आपके कैप सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, यानी कि सेंसिटिविटी की दिक्कत है, तो आप सर्कुलर मोशन में उसको अच्छे से मालिश कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको मसाज कैसे देनी है। फुल डेमोंस्ट्रेशन के साथ मैंने बताया है, तो देर मत करो, अभी कोई भी तेल आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एस ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज ही इसको ऑर्डर करो और जितने जल्दी हो सके अपने रेगुलर मसाज को स्टार्ट कर दो। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपको इरेक्शन इश्यूज आए, अगर नहीं चाहिए कि सिकुड़नपन आप में बहुत जल्दी आए, नहीं चाहिए कि आपका जो पेनाइल हेल्थ है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, तो आप मसाज को अपने रेगुलर रूटीन में सिर्फ 5 मिनट के लिए आज ही ऐड कर लो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।